हेलो गाइस, वेलकम बैक टू BSW स्टॉक्स एंड फाइनेंस। मैं अनिकेत बसवानी फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारी चैनल पे। आज की वीडियो बहुत ही यूनिक है, बहुत ही स्पेशल है, बिकॉज आज हम एक डिस्कस करने वाले हैं स्कैल्पिंग इंट्राडे स्ट्रेटेजी। प्रोबेबली ऐसी कोई मैंने स्ट्रेटेजी आज तक हमारे चैनल पे डाली नहीं है। इंट्राडे की डाली है, स्विंग ट्रेडिंग की डाली है, बट स्पेसिफिकली स्कैल्पिंग वाली इंट्राडे स्ट्रेटेजी नहीं डाली। एंड स्कैल्पिंग का मतलब क्या होता है, जल्दी से जल्दी जितना हो सके उतना जल्दी या तो छोटा सा प्रॉफिट या तो छोटा सा लॉस बुक कर लो एंड एंजॉय करो पूरा डे। एकदम छोटू सा, लाइक 10-15 मिनट का भी ट्रेड नहीं चलेगा आपका, 10 मिनट के अंदर ट्रेड खत्म हो जाएगा। ऐसे होता है स्कैल्पिंग, वो भी इंट्राडे में अपन करेंगे, इक्विटी में। आप चाहे तो बैंक निफ्टी में भी यूज कर सकते हैं, बट इक्विटी में करेंगे। एंड एक बात का ध्यान रखना कि अगर आप छोटे प्रॉफिट पे बिलीव नहीं करते हो तो मैं सजेस्ट करता हूं कि आप ये वीडियो मत देखो, बिकॉज इसमें लेना भी छोटा प्रॉफिट है और देना भी छोटा लॉस है। ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट छोटा है लॉस बड़ा है, ठीक है, इक्वल इक्वली है। इनफैक्ट प्रॉफिट ज्यादा होगा लॉस से, लेकिन अगर आप छोटा प्रॉफिट बिलीव नहीं करते तो आई सजेस्ट आप ये वीडियो मत देखिए। बट अगर आप छोटा प्रॉफिट एंड जल्दी से जल्दी प्रॉफिट बुक करके अपना डे एंजॉय करने में बिलीव करते हो तो दिस वीडियो इज डेफिनेटली फॉर यू। सबसे पहले आपको क्या करना है, 1500 या 2000 रुपीज के ऊपर के प्राइस का स्टॉक लेना है। एज फॉर एग्जाम्पल आई एम यूजिंग टाइटन हियर, ठीक है। फिर आपको ट्रेडिंग व्यू का, ट्रेडिंग व्यू के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे अगर आप लोग शेयर मार्केट में है। ट्रेडिंग व्यू आप जरूरी नहीं है पीसी या लैपटॉप में यूज करें, मोबाइल में ऐप मत यूज कीजिए ट्रेडिंग व्यू का, वेबसाइट यूज कीजिए। उसमें आप जाइए, आप चार्ट ओपन कीजिए एंड सबसे पहले तो कैंडल में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है, एंड 1 मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए। बिकॉज स्कैल्पिंग करना है तो 5 मिनट एंड ऑल इज यूजलेस फॉर यू स्कैल्पिंग के लिए। तो 5 मिनट में तो आपको तीन आधा आधा घंटा एक एक घंटा बैठना पड़ेगा ट्रेड लेने ओवर करने के लिए। 1 मिनट ले लिया अपन ने एंड आपको सिर्फ 2 इंडिकेटर लगाने हैं, एक छोटा सा लॉजिक लगाना है आपके ट्रेड के लिए, दैट्स इट। अब वो 2 इंडिकेटर कौन से हैं, VWAP। इंडिकेटर सेक्शन में जाके सर्च कीजिए, VWAP वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस आ जाएगा, क्लिक कीजिए। मोबाइल में भी ट्रेडिंग भी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि लैपटॉप या पीसी में करना है। इधर जाइए सेटिंग्स में, चलिए मैं पहले इंडिकेटर्स ही सारे बता देता हूँ, सेटिंग्स में बाद में बताता हूँ। इंडिकेटर्स में दूसरा इंडिकेटर है पिवट पॉइंट या पिवट पॉइंट जो भी आप बोलिए, स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर लीजिए इसको भी। एंड अब इसका सिर्फ सेटिंग करना है, छोटा सा सेटिंग है, इनमें मॉडिफिकेशन करना है। VWAP में जाइए, स्टाइल में जाइए, VWAP के अलावा सब कुछ बंद कर दीजिए, ठीक है, VWAP के अलावा सब कुछ बंद कर दीजिए, ओके। नाउ पिवट पॉइंट में जाइए, इसको इनपुट में जाके ट्रेडिशनल को फिबोनाची कर दीजिए एंड ऑटो को डेली कर दीजिए, दैट्स इट, सेटिंग्स डन। अब आपको सिर्फ थोड़ा सा लॉजिक एक दिमाग में रखना है, 9:30 से लेकर 10:30 के बीच में ही एंट्री होगी, उसके पहले नहीं होगी, उसके बाद नहीं होगी। अगर आपको कोई एकदम शॉर्ट लगता है कॉल तो आप 9:30 के पहले 2-4 मिनट पहले भी एंट्री ले सकते हैं, 10:30 के भी 2-4 मिनट बाद एंट्री ले सकते हैं। अब 2-4 मिनट का तो मैं आपको सिर्फ 9:30 से 10:30 तो कहने की बात होती है, तो वो भी श्योर शॉट लगे तो, अदरवाइज स्ट्रिक्टली 9:30 से लेके स्ट्रिक्टली 10:30 के बीच में एंट्री लेनी है। एग्जिट भले आप 10:30 के बाद करें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ट्रेड में से। तो मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ, ये टाइटन का स्टॉक है, अपन आज की डेट चल रही है, अपन जनवरी मंथ का फर्स्ट डेट पे जाके बैक टेस्ट करते हैं हमारी स्ट्रेटेजी को कि कैसा चलता है ये, ठीक है। तो एज यू कैन सी हम आ गए ये रहा 1 जनवरी, यहाँ से 1 जनवरी चालू हो रही है एंड 30 से दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, 30 से दिखा देता हूँ, अपन इसको हटा देते हैं। नाउ लॉजिक क्या है, 9:30 से लेके 10:30 के बीच में एंट्री कब लेंगे, VWAP के ऊपर होगा मार्केट तो सिर्फ बाय एंट्री लेंगे। एंड जैसे मैं आपको दिखाऊं फॉर एग्जांपल, हाँ VWAP के नीचे होगा मार्केट तो सिर्फ सेल एंट्री लेंगे, ये नोट कर लीजिए आप, ठीक है। VWAP के ऊपर होगा तो बाय एंट्री, VWAP के नीचे होगा तो सेल एंट्री सिर्फ, ठीक है। अब आप कैसे एंट्री लेंगे, 9:30 के बाद कैंडल VWAP के ऊपर है यानी बाय लेना है। अब कोई भी पिवट पॉइंट, पीवट लाइन, डजंट मैटर कि R2 हो, R1 हो, पीवट हो, S1 हो, S2 हो, कोई भी लाइन ब्रेक करके क्लोजिंग दे देती है कैंडल 1 मिनट की, आपको ले लेनी है एंट्री। इस केस में ये रही कैंडल VWAP के ऊपर, 9:30 के बाद कैंडल ने लाइन ब्रेक करी और क्लोज कर दिया, यहाँ पे एंट्री मिल गई आपको, ठीक है। और ये अपना रहेगा एकदम छोटू सा बच्चे जैसा स्टॉप लॉस एकदम, ये रहा डियर भाई। एंड आप चाहे तो पिवट पॉइंट का टारगेट ले सकते हैं, लेकिन एज जो भी नियर बाय पिवट लाइन हो उसका टारगेट ले सकते हैं, लेकिन एज यू कैन सी इन दिस 1:1 आपका नहीं हो रहा है। 1:1 का मतलब होता है 1 रुपए के लॉस पे 1 रुपए का प्रॉफिट, ठीक है।
तो हमको एक रुपए का लॉस पे एक रुपए का प्रॉफिट ही लेना है, इसे कम नहीं लेना है। तो हम यहाँ पे 1:1 तो रख ही देंगे, एज यू कैन सी नीचे आके 1:1.0 1:1। अभी इसका 1:1.5 कर देते हो तो इसका मतलब ये होगा कि एक रुपए के लॉस पे 1.5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है आपको, यानी 1.5 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये 1.5 भी ज्यादा हो जाएगा, अपन को सिर्फ 1:1 लगाना है एंड जाने देना है मार्केट को। एज यू कैन सी यहाँ पे टारगेट अचीव हो गया। अभी स्टॉप लॉस क्या सोच के लगाना है मैं आपको बता देता हूँ। आप बोलोगे स्टॉप लॉस भाई कैसे लगाना है। स्टॉप लॉस आपको सपोज ये आपकी एंट्री कैंडल दिख रही है आपको, तो स्टॉप लॉस आपका प्रीवियस कैंडल अगर सही लगती है और उसका जो लो है प्रीवियस एक या दो कैंडल, प्रीवियस एक दो कैंडल का जो भी लो लगता है आपको सही छोटा स्टॉप लॉस देने के लिए, तो आप वो दे सकते हो। जैसे कि इस केस में इसके पहले वाली कैंडल, ये वाली कैंडल और ये स्टॉप लॉस परफेक्ट लग रहा है, क्योंकि दो ये दो देखो ये दो कैंडल का ऑलमोस्ट लो सेम है, तो स्टॉप लॉस ये बेस्ट है, उस बेसिस पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। स्कैल्पिंग है, 10 रुपए आपके 10 पॉइंट प्रॉफिट आराम से निकल गया, 5 टाइम्स मार्जिन मिलता है, लेवरेज मिलता है इंट्राडे में, उसको यूज कीजिए एंड एंजॉय कीजिए। सेकंड डे पे आते हैं ना, एज यू कैन सी वीवैप के नीचे है मार्केट, यानी सिर्फ सेल एंट्री पे फोकस करना है एंड 9:30 के बाद 10:30 के बीच में, ये 9:30 से लेकर 10:30 के बीच में कहाँ पे ब्रेक हो रहा है, ये रहा ब्रेक, ब्रेक होकर क्लोजिंग देना जरूरी है। लाइक एज यू कैन सी यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाती, क्योंकि ये सपोज एक तरीके से ब्रेक हो ही चुका है, तो ये अपन ने यहाँ पे एंट्री ले ली, छोटू सा स्टॉप लॉस है, एकदम छोटू सा, ये रहा अपना छोटू सा स्टॉप लॉस एंड टारगेट 1:1 आप ले सकते हैं। अगर आपको लगे 1:1 भाई बहुत छोटा लग रहा है, 3-4 रुपए का है, तो उस केस में आप 1:1.3-1.4 कर सकते हो, वो थोड़ा आप चला सकते हो। इस केस में 1.5 तक भी आपका टारगेट अचीव हो चुका है। तो ये हमारा हो गया दूसरा डे, फिर हम जा रहे हैं आगे। उसके बाद आपको मार्केट देखना ही नहीं है, अगर आपको देखना है आपकी कोई दूसरी स्ट्रेटेजी है या जनरली आपको ट्रेड करना है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज अगर आप सिर्फ ये स्ट्रेटेजी पे ट्रेड करते हो तो उसके बाद आपको मार्केट देखना ही है 10:30 के बाद। तो अब चलिए आगे आते हैं। अब इस केस में एज यू कैन सी नहीं, ये लेट हो चुका है, 9:30 के ऊपर जा चुका है, 10:30 के ऊपर जा चुका है, सो वी विल नॉट टेक इट। अगर हम यहाँ फिर भी ले भी लेते हैं तो हो जाता प्रॉफिट छोटे स्टॉप लॉस के हिसाब से, मैं आपको दिखा देता हूँ। एंड अगर ऐसा भी होता है कि 9:30 से 10:30 के बीच में आपको दो ट्रेड मिल रहे हैं तो दोनों ले लीजिए, कोई भी बेझिझक वाली बात नहीं, कोई झिझक वाली बात नहीं, छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा अपना एकदम इतना सा टच एग्जैक्ट, यानी हमारा टारगेट रहेगा 1:1 जो कि अचीव हो चुका है, बट वी विल नॉट कंसिडर इट। अगर आप कंसिडर करना चाहें, जैसे मैंने आपको बोला 2-4 मिनट आगे पीछे कर सकते हैं, तो आप ये ले सकते हैं। नाउ एज वी गो अहेड, हमारा ये दूसरा दिन, यहाँ पे आप देख सकते हैं 9:30 के बाद 10:30 के बीच में कोई पिवट लाइन ब्रेक ही नहीं हुई है, सो वी विल इग्नोर द ट्रेड। तो गाइस आगे बढ़ने से पहले मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे कस्टमर बनना चाहते हैं लाइफ टाइम के, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे कस्टमर बनना चाहते हैं, हमारे क्लाइंट बनना चाहते हैं, हमारी सर्विसेज का आनंद लेना चाहते हैं, तो आप हमारे कस्टमर बन सकते हैं। हमारे अंडर शेरखान में फ्री अकाउंट ओपन कीजिए। एज यू कैन सी आई एम सिटिंग इन द शेरखान ऑफिस, मेरी खुद की ऑफिस है ये, आप हमारे अंडर शेरखान में अकाउंट ओपन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड अगर आपका ऑलरेडी शेरखान में अकाउंट है तो आप आपका ब्रांच शिफ्ट कर सकते हो हमारे अंडर फ्री ऑफ कॉस्ट, आप मुझे मैसेज करिएगा, कोई फॉर्म वगैरह भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप शेरखान में अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको हम व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे, जहां पे हम आपको इस टाइप के जो मैं आपको स्ट्रेटेजी सिखा रहा हूँ, ऐसी नहीं ऐसी और दूसरी स्ट्रेटेजीज के भी हम कॉल्स देते हैं, एजुकेशनल कॉल्स, वो आपको फ्री में मिलेंगे लाइफ टाइम डेली फॉर फ्री। एंड आपको ऑप्शंस में ब्रोकरेज सिर्फ 20 रुपीज है हमारा एंड अदर ब्रोकरेज स्ट्रक्चर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो आपको अगर अकाउंट ओपन करना हो तो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अकाउंट ओपन करके हमको मैसेज कीजिए, हम आपको लाइफ टाइम व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे, अलग से एक रिलेशनशिप मैनेजर एंड और भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं आगे, ठीक है। अब आगे आए एज यू कैन सी नाउ, हाँ इस केस में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि राइट, हाँ 9:30 ये रहा, ठीक है। बट अगर आपको उसके कुछ मिनट्स पहले लगता है कि भाई ये शॉर्ट शॉट हो सकता है, क्यों? अब ये शॉर्ट शॉट कैसे आप कंसिडर करेंगे नाउ, हर केस में ऐसा नहीं होगा, लेकिन इस केस में आप देख सकते हो भाई कि पुराना ये एक रेजिस्टेंस है और ये एक रेजिस्टेंस को ब्रेक दे रहा है, ना कि सिर्फ पिवट पॉइंट और ये रेजिस्टेंस को भी ब्रेक दे रहा है ये वाला कैंडल, तो आप फिर 2-3 मिनट का वेट क्यों करेंगे? अगर आपको पता है भाई ये वाला एरिया भी इसका रेजिस्टेंस जोन है एंड ये उसको क्लोजिंग करके ऊपर ब्रेकआउट दे चुका है, तो ऐसे केस में आप बाय कर सकते हो, ये आपका बाय हो जाएगा, ये आपका इतना सा छोटू सा स्टॉप लॉस। एंड इस केस में भाई R2 जो है वो इतना ज्यादा दूर नहीं है, तो आप चाहो रिस्क लेना तो R2 यानी कि जो लाइन नियर बाय होती है उस तक प्रॉफिट ले सकते हो, अदरवाइज 1:1, 1:1.5 जितना आपकी इच्छा हो, ठीक है। अब आगे जाते हैं, देखिए मेरा तो सजेशन यही है कि आप दूसरा ट्रेड ना ले, बट अगर आप दूसरा ट्रेड ले भी लेते हैं तो ये रहा आपका दूसरा ट्रेड, आपका ये रहा
एंट्री हो गई आपकी यहाँ पे, और ये आपका छोटू सा स्टॉप लॉस 9:30-10:30 के पहले। एंड इसमें भी आप अगर यहाँ तक का टारगेट लेते तो आपका टारगेट अचीव हो गया। दो ट्रेड्स, दैट्स इट, क्लोज द मार्केट, देखो एक बार मार्केट को। नाउ इन केसेस में भी स्टॉप लॉस के बारे में आप पूछेंगे। स्टॉप लॉस इज, देखो ये वाली कैंडल, इसके पहले की एक दो कैंडल के आसपास का भी जो लो है, ये इन दोनों की कैंडल का लो बन रहा है, तो यहाँ लगा दो स्टॉप लॉस भाई, थोड़ा सा नीचे, एकदम इतू सा नीचे, उस हिसाब से लॉस लगाना है, स्टॉप लॉस लगाना है। अब ये कैंडल है, इसकी प्रीवियस कैंडल, अब इसकी प्रीवियस कैंडल, तो ये तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा, नॉन लॉजिकल। लगाना चाहो तो लगा सकते हो, बट लॉजिकल ये है कि इसके पहले का जो कैंडल है उसके पास और इसके पास काफी डिफरेंस अच्छा है, तो इतना स्टॉप लॉस लगा लो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इस डे, फिर हम आगे चलते हैं 10:30 के बाद, तो हमको देखना तक नहीं है मार्केट को, फिर भले कितने भी पिवट क्यों ना ब्रेक दे दे। नाउ एज यू कैन सी हियर, वी वेब के ऊपर है, 9:30 के बाद का टाइम चल रहा है, एंड हियर इट इज अ लॉन्ग पोजीशन। अब आप रात थोड़ी देखेंगे क्लोज होगा क्या हो रहा है, आपको ओपन, ये वाली कैंडल ओपन ही यहाँ हो गई है पिवट को ब्रेक करके, फिर आप क्लोजिंग की क्यों राह देखेंगे। तो आप बाय कर लीजिए यहाँ पे इमीडिएटली, छोटू सा स्टॉप लॉस कहीं भी, इतना स्टॉप लॉस रहेगा, एंड टारगेट आप 1:1 ले सकते हैं, 1:1 छोटा लगता है, 1:1.5 ले लीजिए, छोटा अगर टारगेट लगता है, लाइक अमाउंट छोटा है, लाइक इतने बड़े स्टॉक के लिए 4-5 रुपए छोटा लगता है, तो आप उस केस में आप 6-7 रुपए तक जा सकते हो, ठीक है। नाउ वी गो अहेड, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अब ये आई ट्रैप एंट्री, यस ट्रैप एंट्री, यो ट्रैप वाली एंट्री, ट्रैप म्यूजिक वाली एंट्री। अब यहाँ पे आपको लगेगा कि भाई हमारा स्ट्रेटेजी के हिसाब से वीवैप के नीचे है, पीवट पॉइंट को ब्रेक कर दिया, 9:30 के बाद का टाइम है, ये ले लिया हमने शॉर्ट एंट्री, इतना सा स्टॉप लॉस, एनी स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो अब आप क्या बोलोगे भाई, ये तो आपकी स्ट्रेटेजी, तो भाई कमेंट करोगे भाई स्ट्रेटेजी तो बिल्कुल रद्द दिया साला, कितना बेकार स्ट्रेटेजी दिया है भाई, पिछले इतने प्रॉफिट है वो भी तो देखो। जरूरी नहीं है यार स्ट्रेटेजी में एक आध लॉस, दो तीन लॉस भी होते हैं, सामने इतने सारे प्रॉफिट होते हैं, तो उसको ही एक्यूरेसी बोलते हैं, उसको ही आप एक्यूरेसी जो आप बोलते हो ना भाई, मेरी तो 70% एक्यूरेसी, 80% एक्यूरेसी, इसको एक्यूरेसी बोलते हैं भाई। एक्यूरेसी आपको नहीं पता है तो आप कमेंट करोगे, मेरे को पता है, जो लोग भी कमेंट करेंगे आके भाई या तो स्टॉप लॉस हिट हो रहा है यार क्या है, उन लोगों को एक्यूरेसी का मतलब नहीं पता। स्टॉक मार्केट में अगर आप लॉस करने के लिए अगर हिम्मत नहीं रखते हो, 10 प्रॉफिट के सामने 2-3 लॉस करने की हिम्मत भी नहीं रखते हो, तो यू शुड लीव द मार्केट, आई सजेस्ट, ठीक है। अब ये वाला एक और ट्रैप एंट्री हमारा आया, कोई बात नहीं यार, ट्रैप एंट्री के साथ साथ हमको अच्छी भी तो एंट्रीज इतनी सारी मिलती है। ये हमारा स्टॉप लॉस इधर का रहेगा, ओके, एंड इसमें हमारा 1:1 अचीव नहीं हो पाया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, होता है, चलाना पड़ेगा आपको, इतने सारे प्रॉफिट के सामने थोड़ा बहुत लॉस आपको चलाना पड़ेगा, अदरवाइज तो भाई ऐसे तो कुछ होना ही नहीं है, ठीक है। नाउ 9:30 से लेके 10:30 के बीच में ये वाली हमारी एंट्री आ गई, ओके, दिस इज अ गुड एंट्री, सीम्स लाइक अ गुड एंट्री, ये हमारी बाइंग है, एंड ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है, छोटू सा। नाउ जैसे मैंने बताया था कि आप चाहो तो पुराने रेजिस्टेंस के आसपास का भी टारगेट ले सकते हो, लाइक यहाँ कहीं का, एंड अदरवाइज आप 1:1-1:1.5 ले लो, बुक कर लो, लाइक इस केस में अपन 1:1.5 लगाते हैं, फिर वेट करते हैं, आपने तो टारगेट एंड स्टॉप लॉस लगा दिया है, फिर आपको तो देखना ही नहीं है क्या होता है भाई, भाड़ में जाए जो होना होगा हो जाएगा, अपने आप ये टारगेट हिट हो गया, ठीक है, 7-8 रुपए मिल गए, 5 times मार्जिन यूज कर लो, लेवरेज आई मीन, तो उसमें आपका अच्छा प्रॉफिट हो गया। नाउ एज वी कैन सी हियर, ओके, ये केस में आपको प्रॉबेबली लॉस है या प्रॉफिट है वो देखना पड़ेगा, एज वी बी शॉर्टेड हियर, और स्टॉप लॉस रहेगा ये, एंड टारगेट अगर 1:1 लगाते हैं हो गया अचीव, मुझे लगा इसमें थोड़ा लॉस होने के चांसेस है, बट स्टॉप लॉस छोटा है, टारगेट छोटा है, इसलिए हमारा लॉस होते होते बच गया, एंड भले 4 रुपए तो 4 रुपए प्रॉफिट तो प्रॉफिट ही होता है ना बॉस, आखिर ये रहा 4 रुपए का प्रॉफिट आखिर प्रॉफिट होता है, भले 4 रुपए का हो गया भी कितने का भी हो, यू हैव टू मेक श्योर कि आपके लॉसेस से ज्यादा आपके प्रॉफिट हो, दैट्स इट। चलिए आगे चलते हैं, मुझे पहले लगा वो लॉस होगा, फिर आगे जाते हैं, हाँ ओके, कॉर्पोरेट 9:30 से लेके 10:30 के बीच में एंट्री, वीवैप के नीचे कैंडल, तो सेल करेंगे शॉर्ट पोजीशन। अब ये कैंडल तो भाई बहुत बड़ी है, यहाँ पे हमने यहाँ पे एंट्री तो ले ली, चलो स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, जो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा इसमें, नहीं स्टॉप लॉस आप बड़ी कैंडल में, जो कैंडल का लो है, क्लोजिंग है, आई मीन ओपनिंग है, इस केस में ओपनिंग है, वो कैंडल पे ही लगाओगे स्टॉप लॉस एग्जैक्ट, ठीक है, और स्टॉप लॉस और टारगेट 1:1, इसमें भी अपन चाहते तो यहाँ पे निकल सकते थे ये लाइन पे, बट 1:1 नहीं बन रहा था, मैंने आपको बताया 1:1 पे तो निकलना ही है मिनिमम, 1:1 तो लगा दीजिए, 1:1 आपका टारगेट अचीव, ठीक है, समझ आ गया, आते हैं जाते हैं आगे जाते हैं आगे, ओके आज का ही डे है, खत्म हो गया।
तो जैसे हमने देखा आज भी हमको प्रॉफिट ही हुआ अगर हमने ट्रेड लिया होता तो, ठीक है। तो इसी तरीके से आप ये ट्रेड कितनी अच्छी एक्यूरेसी निकली, आप मैं आपको कह रहा हूँ 70 से 80% एक्यूरेसी तो इजीली निकल रही है इस आपके स्ट्रेटेजी में, हमारी स्ट्रेटेजी में। ये वाली स्ट्रेटेजी आपको गारंटी देता हूँ कोई कहीं पे नहीं मिलेगी, ये किसी की कॉपी स्ट्रेटेजी नहीं है, किसी का पायरेटेड में आपको नहीं सिखा रहा हूँ, ये मेरी खुद की बनाई हुई स्ट्रेटेजी है। मैं पर्सनली इसको यूज करता हूँ एंड स्कैल्प करने के लिए, एंड मेरे को डेली टाइम नहीं मिलता ये वाली स्ट्रेटेजी लेने के लिए, क्योंकि मेरे पास काफी सारे क्लाइंट्स हैं हैंडल करने को, तो मुझे उस पर फोकस ज्यादा देना पड़ता है। बट जब भी मेरे पास ऐसा टाइम होता है तो मैं ये वाली स्ट्रेटेजी पर डेफिनेटली ट्रेड करता हूँ एंड छोटा तो छोटा प्रॉफिट तो बनाता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको ये स्ट्रेटेजी पसंद आई है तो आप डेफिनेटली कमेंट कीजिए, देखो कमेंट आप करते नहीं हो गाइस, इतना सब वीडियोस देखते हो, कमेंट तो कीजिए, तो हमको ऐसे थोड़ा इंस्पिरेशन मिलना चाहिए कि लाइक हाँ लोग स्ट्रेटेजी देख रहे हैं, सो दैट हम और मेहनत करके और बेटर स्ट्रेटेजी बनाए। क्या पता आपके लिए स्ट्रेटेजी बनाते बनाते अपन एक ऐसी स्ट्रेटेजी भी बना ले जो 100% एक्यूरेसी देने लगे, एंड हो भी सकता है, नहीं भी सही होने को तो नहीं भी हो सकते, मोस्ट प्रोबेबली तो नहीं होगा, लेकिन सोचने में क्या जाता है। कोई भी रिक्वायरमेंट हो आपकी वीडियो की तो कमेंट में मुझे बताइएगा, हो सकेगा तो उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रॉम बीएसडब्ल्यू स्टॉक्स एंड फाइनेंस एंड अनिकेत बसवानी।